आजादी का डंका, विपक्ष के 24 की शंका, इस हफ्ते का ये देश है हमारा, इसी पर व्यूज। प्रधानमंत्री जी भी अभी गए थे तो गांधी जी के आगे झुके थे, ना कि सावरकर के आगे झुके थे और ना गोडसेवादी लोगों के आगे झुके। सलमान खुर्शीद नहीं बोला था कि मोदी को हटाइए आप लोग। इस तरह के तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति को इतिहास बताएगा। ये मोदी जी अकेले हैं, ये बिल्कुल गलत नारे है। क्यों? इनके पास ईडी है, सीबीआई है। देश का प्रधानमंत्री है, इनका नेता मोदी है, नरेंद्र मोदी है, आपका नेता कौन है? 75 सांसदों ने जो कि डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मोदी जी से मानवाधिकार के सवाल पूछिएगा और पूछिएगा। अरे इस देश के सांसदों ने लिख के दिया अमेरिकी संसद को कि मोदी जी को वीजा नहीं देना, शर्म आनी चाहिए। ये देश की सार्वभौमिकता का अपमान, संप्रभुता का अपमान। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस हफ्ते की दो बड़ी तस्वीरें खबरों में छाई रही और कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, इसलिए आज वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में मैं इस शो की शुरुआत में दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और ये तय है कि ये दोनों तस्वीरें इतिहास बनेंगी। एक तरफ भारत की आन बान और शान है और अमेरिका में मोदी का अभूतपूर्व सम्मान है, तालियों की गूंज है, सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने की एक लाइन है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की भी एक लाइन है। लेकिन ये लाइन 2024 की कुर्सी के लिए है। इस जमावड़े में तमाम वो नेता साथ खड़े हैं जो कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं, एक दूसरे को कोसते रहे हैं और आपसी खींचतान आज भी जारी है। लेकिन कहा जाता है कि सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन, और कई बार दुश्मन के दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। इसलिए पटना में सारे गिले शिकवे भुलाकर, सारे गिले शिकवे मिटाकर कोशिश हुई मोदी को हराने का, एक मेगा प्लान तैयार करने की। उस पर महामंथन हुआ, उस पर बड़ा चिंतन हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आपसी टकराव के बीच मोदी हटाओ प्लान रंग दिखाएगा? आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की वीकेंड की सबसे बड़ी पब्लिक डिबेट। दुनिया में मोदी का डंका, विपक्ष को 24 की शंका, इस हफ्ते का ये देश है हमारा, इसी पर व्यूज। वेलकम बैक। एक तरफ मोदी का ग्लोबल दम है और दूसरी तरफ महागठबंधन का मंथन। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। विपक्ष आपसे दो कदम आगे है और वो दो कदम आगे इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि जब बीजेपी देश से मुक्त हो जाएगी तब हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी चुन लेंगे। अगर 6 दावेदार हों तो हम लोग फैसला कर सकते हैं और इनको ये सुझाव दे सकते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसमें तय कर लेंगे मंडे को कौन होगा और फ्राइडे को प्रधानमंत्री कौन होगा। 2024 में मोदी वर्सेस ऑल होता हुआ हम देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार, राहुल गांधी सब शायद एक मंच पर आएंगे। हाउ डू यू सी इट, मोदी वर्सेस ऑल? ब्रिंग इट ऑन। इस बीच पटना में जब विपक्ष के दिग्गज जुड़े तो टकराव भी खुलकर दिखा। केजरीवाल ने अध्यादेश का मुद्दा उठाया तो उमर अब्दुल्ला से उनकी भिड़ंत हो गई। ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी की दूरी भी खुलकर दिखी। केजरीवाल और कांग्रेस का भी टकराव हुआ और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल शामिल भी नहीं हुए। लेकिन इस बीच दूल्हा कौन का भी मुद्दा उठा। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था, समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराते चले। गठबंधन की अगली बैठक शिमला में होगी, लेकिन पटना की बैठक में मोदी सरकार पर बड़ा हमला भी हुआ। देश टूट के कगार पर खड़ा।
लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भारी मतभेद के बीच क्या विपक्ष मोदी का मुकाबला कर पाएगा। आज ये देश है हमारा में जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका आज देश की सबसे बड़ी बहस में। सबसे पहले जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां। जो यहां पर व्यूअर्स बैठे हैं और उस पार जो व्यूअर्स बैठे हैं उनका भी अभिनंदन और उनका साधुवाद, क्योंकि उन्होंने आर पार को रिकॉर्ड व्यूअरशिप दिया है। इस हफ्ते भी रिकॉर्ड व्यूअरशिप, उसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? सुधांशु त्रिवेदी, आज सामना करेंगे समूचे विपक्ष का, अकेले सांसद है, बीजेपी के प्रवक्ता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। कांग्रेस की ओर से मौजूद है रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। सत्य प्रकाश मिश्रा है, नीतीश विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक है, जेडीयू के नेता है। जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन है। प्रियंका कक्कर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन है। सूर्य मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। सैयद जवाब, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है और आपका एक बार फिर अभिनंदन है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मैडम आप ही से शुरुआत करते हैं, अनुमा आचार्य जी आप ही से शुरुआत करते हैं। और सवाल मेरा यह है कि आपके नेता कह रहे हैं कि दूल्हा तैयार है, बारात सजा के रखी है। और सवाल जब, क्योंकि फिल्मों की अगर बात हो रही है तो मेरे को तो दिमाग में आ रहा है कि आप फिल्म दिखाने की बात कर रहे हैं, हम साथ साथ हैं, लेकिन वहां एक दूसरे से पूछ रहे हैं हम आपके हैं कौन। IMF यंग एमर्जिंग अवार्ड, पावर ब्रांड अवार्ड, सृष्टि अवार्ड पाए हुए एक एंकर के साथ ये मेरा पहला शो है। अपरिजय नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर ये पिच आपकी है कि अकेले नरेंद्र मोदी और पूरा विपक्ष, ये पिच आपकी गलत है। एक प्रधानमंत्री जो नोटबंदी का ऐलान करके गायब हो जाता है, एक प्रधानमंत्री जो लॉकडाउन का ऐलान करके गायब हो जाता है, एक प्रधानमंत्री जो 700 किसानों की शहादत पे कुछ नहीं बोलता है, एक प्रधानमंत्री जो रेल दुर्घटना के बाद उसकी जल्दबाजी नहीं करता कि उसकी छानबीन हो, एक प्रधानमंत्री जो मणिपुर जलता हुआ छोड़कर अमेरिका चला जाता है, उसे चुनेगा कौन? आप ये क्या समझते हैं कि लोकतंत्र है? लोकतंत्र में देखिए ऐसा है कि अगर जनता जनार्दन आपके पसंद की है तो मैं जानती हूं कि वो मुझे टोकेंगे, पर मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इतने पुरस्कृत पत्रकार हैं तो मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। तो वो सब पूरी जनता नहीं है, आप अपनी बात। तो मैं ये कह रही हूं कि जो बीजेपी का नया था, जो नया था वो चार दिन में पुराना हुआ, यही सब हुआ तो नया क्या हुआ। तो आप विपक्ष की चिंता छोड़िए, मेरे मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे दीपक जोशी वैसे भी बीजेपी छोड़कर आ गए हैं, बैजनाथ यादव बीजेपी छोड़कर आ गए हैं, ऐसे पांच बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारेगी। सुनिए ना, अंदर से ही बीजेपी के लोग, क्योंकि अब वो विचारधारा की पार्टी रही नहीं, उसी के अंदर से तोड़ेंगे। आप विपक्ष की चिंता मत करिए, अंदर से ही होगा। आपने दो मिनट अपनी बात को रखा, और अगर अगर पैमाना लोगों के छोड़ने का है और ज्वाइन करने का है, फिर तो पैमाने में आप बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। हेमंता बिस्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद कई सारे और नाम आ जाते हैं, तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, सीधा सवाल है, एक अकेला सब पे भारी है। हमने देखा अमेरिका में जो अभूतपूर्व स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का, वो देश का सम्मान है। और पटना में विपक्ष जो कर रहा है वो भी लोकतंत्र का सम्मान है, तो क्यों कहना पड़ रहा है कि इनकी एकता नहीं हो पाएगी? देखिए, आपने कहा कि विचारधारा है नहीं, तो फिर उनकी पार्टी कहती है विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, एक अंतर है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी अमेरिका में नजर आ रहे हैं, जहां पर भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए अनेक डील हो रही है, प्रीडेटर ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, और हमारे फाइटर प्लेन्स के इंजन यहां बन रहे हैं। एक डिफेंस डील पटना में हो रही है। वो डिफेंस डील क्या है? अपने अपने भ्रष्टाचार, अपने अपने कुनवे, अपने अपने परिवार को बचाने की डिफेंस डील, कि एक दूसरे को बचाएं। 25 जून से कितनी निकटता है, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, और एक लिविंग जनरेशन में कितनी दुनिया बदल जाती है। लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे मीसा में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प लेकर उनकी बेटी जब हुई थी तो नाम उसका मीसा इसीलिए रखा था। अब सुनिए, नीतीश कुमार जी जेपी आंदोलन के समय युवा नेता के रूप में कांग्रेस के खिलाफ संकल्प लेकर खड़े थे, और आज दोनों कांग्रेस के झंडे तले आकर देखिए कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी को रिसीव करने पहुंचे। और अब महत्वपूर्ण बात है, बिहार ही वो धरती है जहां भारत के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल गया भ्रष्टाचार के आरोप में, लालू प्रसाद यादव जी।
ही इज द चेयरपर्सन. नीतीश कुमार जी तो हर कारे हैं, जैसे कि आदमी जाता है संदेशवाहक के रूप में, यहां चले जाओ वहां चले जाओ. जलवाए जलाल तो इस समय लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी का है, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी तो तीसरे नंबर की पार्टी है. तो आज हकीकत क्या है कि जो दिख रहा है विचित्र दिख रहा है. आज मैं कह सकता हूं बिहार में बहार है नारा था, नीतीश कुमार है. आज बिहार में बहार है, भ्रष्टाचारियों की कतार है, मोदी के नफरत से दिल जार जार है, बचाना केवल अपना अपना परिवार है, यूं बिहार में बाहर. जी चलिए मैं आता हूं, लेकिन दूल्हे की बात पे आपने क्लैरिटी नहीं दी, आप आगे लीजिएगा. अच्छा दूल्हे की बात जी, पे जी जी जी. अरे अब आप एक लाइन, आप एक लाइन देखिए, आपने कहा यहां कोई दूल्हा बनने को तैयार नहीं है. सबके मन में हसरत जरूर है. नहीं प्रमोद तिवारी ने बोला दूल्हा दूल्हा आ जाएगा. नहीं सुनिए, वो दूल्हा दिख नहीं रहा है. आपने फिल्मों की बात सुनिए, आपने फिल्मों की बात कही तो मुझे याद आया 90 के दशक में गोविंदा की एक फिल्म थी, इसका गाना था ना मेरी मर्जी जी, उसमें एक लाइन थी मैं अपनी शादी में ना जाऊं मेरी मर्जी. तो यहाँ का दूल्हा यही बोल रहा है, सब दूल्हा बनने को तैयार. अब मैं रुक करता हूं. और इसी बीच मैं आपको बता देता हूं, इस मीटिंग के अंदर जब अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया अध्यादेश का, तो उमर अब्दुल्ला नाराज हो गए. उन्होंने बोला कि आप कहां थे जब 370 हटाया जा रहा था, तब आप कहां थे. और कांग्रेस ने बोला ये मुद्दों को भटकाने का प्रयास हो रहा है, आज का मुद्दा मोदी को हराना है, ये मुद्दा संसद का मुद्दा है, आज का मुद्दा है ही नहीं. यानी अरविंद केजरीवाल अलग थलग पड़ गए हैं उस बैठक के अंदर. लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं आपका, और आपके पास आता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा. क्या आपको लगता है कि एक तरफ मोदी का भव्य स्वागत यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वहां से एक बड़ा संदेश, और दूसरी तरफ से पटना से आप लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, बताइए. अमीश देवगन जी, दो अलग बातें हैं. भारत के प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र में जाते हैं, एक राजकीय अतिथि बनकर उनका कोई सम्मान करे, ठीक है, अच्छी बात है, आप हरे हरे डायमंड वहां दीजिए, कुछ वहां से भी हरे हरे चीज लाइए जिससे देश में बाहर होता, तो चलिए उनके ऊपर ताली बजाते. सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि पटना से डिफेंस का एक बैठक हो रहा है. किस चीज का डिफेंस करेंगे? पहला लोकतंत्र का. ये जो अकेला भारी, ये जो तानाशाही प्रवृत्ति है, और मुझे शक है कि भारतीय जनता पार्टी को भी वो कह रहे कि तुम लोग भी मेरे साथ नहीं हो, मैं अकेला ही इन पर भारी हूं, तुम लोग भी चले जाओ, सुधांशु भी चले जाए, वो अकेला भारी. इस तरह के तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति को ये इतिहास बताएगा. इन्होंने एक बात और अच्छी कही कि 25 जून को इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी पिछले 9 साल से इस देश में है. विपक्ष की तमाम पार्टियों को टारगेट कर करके सताया गया, और उधर से जो लोग भ्रष्टाचारी थे इनके यहां गए, वॉशिंग मशीन में हेमंत विश्व शर्मा धुल गए, नारायण राणे धुल गए, और तमाम धुल धुल करके इनके यहां सब. अच्छा एक बात बता दीजिए, सारे भ्रष्टाचारी बाबू आज इनके पार्टी में वॉशिंग मशीन में धुल कर आपने फंसा दिया सुधांशु त्रिवेदी को, जोरदार ताली आज इनके लिए. अब एक बात बताइए, आपने बोला सारे भ्रष्टाचारी वहां गए, वहां जाके धुल गए. लालू यादव जी तो वहां गए नहीं, वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, कन्विक्टेड है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव जी पर इस देश के अंतिम अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया. मैं कानून का छात्र रहा हूं, जब तक अंतिम अदालत कोई फैसला नहीं सुनाती कोई बात आप ऊपर नहीं कर सकते. रुक जाइए, कोई फैसला नहीं सुनाया उच्चतम न्यायालय में. लालू जी ईमानदार है. दूसरा सुनिए, लालू जी ईमानदार है. इस देश के लोकतंत्र, लालू जी ईमानदार है. देश के लोकतंत्र के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की आज जो पार्टी बैठी है वो इस देश के प्रति और इसके मूल्य और संविधान के प्रति ईमानदार है. लोकतंत्र के लालू यादव पर आप कुछ नहीं बोले, और लोकतंत्र के प्रति ईमानदार कौन है, इस पर बहस जारी है. सुधांशु त्रिवेदी, लोकतंत्र की बात प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सदन में भी कही, और कहा भारत ज्वलंत लोकतंत्र है. एक अध्यादेश ला रहे हैं. देखिए कितनी मजेदार बात है, जिन पार्टियों में नेता कौन इसमें कोई दुविधा नहीं, निस्संदेह यही और मेरा यही इसका परिवार. वो जब आपस में मिलते हैं कहते हैं संदेह है, बाद में तय करेंगे कि नेता कौन होगा. एक फार्मूला जैसे अभी हरदीप पुरी जी बोले, तो इस देश में दुनिया में एक देश है जानते हैं जिस, हाँ, एक एक साल का प्रधानमंत्री होता है, वो स्विट्जरलैंड. शायद उस ढंग का एक फार्मूला ये लोग बनाए तो आपस में इनकी कुछ एकता हो सकती है. कल्पना तो कह रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, कल्पना. सुनिए तो सैटरडे संडे छुट्टी पर रहेगा देश का. नहीं सुनिए तो, उम्मीदवार के लिए बहुत चिंतित है. अब जो हकीकत है वो बोल दिखा नहीं पा रहे, चेहरे पे कुछ और है, मैं जाहिर क्या करें कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाए कैसे. लेकिन तेरी मर्जी के नजर मुताबिक नजर आए कैसे? आ रहा हूं. आप चाह रहे हैं आपकी मर्जी के मुताबिक आए, हम प्रधानमंत्री तय करेंगे, प्रधानमंत्री तय हो जाएगा. ये कह रहे हैं आपकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, आगे मैं बोल रहा हूं. नेता चुनने की कवायद हुई बहुत बाद की बात, पहले मुश्किल है कि अपने परिवार को बचाएं कैसे. ठीक है प्रियंका कक्कड़ इंतजार कर रही है, लेकिन प्रियंका जी पर जाने से पहले दो बाइटें सुननी जरूरी हो जाती है, लाजमी हो जाती है.
लेट्स प्ले दैट बाइट, जिसके अंदर अरविंद जी पर, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर कांग्रेस के नेताओं ने, छोटे मोटे नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, बड़े नेता ने क्या कमेंट करा है वो सुनाना, सुनना बेहद आवश्यक है। लेट्स प्ले दैट। केजरीवाल जी और मोदी जी की मोडस ऑपरेंडी एक ही है, इसीलिए हम कहते हैं ये बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध है। खुद के दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, एक मुख्यमंत्री दारू की ऐसी अवस्था में पहुंचता है कि हवाई जहाज में बैठने के लिए योग्य नहीं माना जाता। मैं केजरीवाल जी से कह दूं, अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि आपको कोई मिस नहीं करेगा, आप जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो केजरीवाल को कोई मिस नहीं करेगा, और दारू वाली जो बात बोली, शराब वाली जो बात बोली वो आपने सुनी। प्रियंका कक्कड़, उमर अब्दुल्ला भी नाराज हो गए, उन्होंने बोला कि आप कहां थे जब 370 हटाया गया। क्या आपको लगता है इस पूरे मंच पर, खासतौर पर विपक्षी एकता के मंच में, अरविंद केजरीवाल को अलग थलग कर दिया गया है? सबसे पहले तो ये नैरेटिव कि मोदी जी अकेले हैं, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। क्यों? इनके पास ईडी है, सीबीआई है, मीडिया है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, बोडो असम पार्टी है, एआईएडीएमके है। तो ये अकेले कभी नहीं थे, ये एक परसेप्शन है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी चिंता ना करें, विपक्ष, हमने, जहां तक हमारा सवाल है, हमने बहुत क्लियरली बहुत पहले से अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है कि एक गैर संवैधानिक अध्यादेश जब पार्लियामेंट में लाया जाएगा और उस पर पता चलेगा कि कौन सी पार्टी संविधान के साथ खड़ी है और कौन सी पार्टी भाजपा के साथ। और आप दिखा रहे हैं दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं का बयान, दिल्ली में कांग्रेस है जीरो, तो इसलिए उन बयानों का कोई मायना नहीं। दूसरी चीज, पंजाब में तो जीरो नहीं है, पंजाब में भी कहां रह गए, आपको पता ही है असलियत। लगाया ना हमारे एक्साइज पॉलिसी का, ना तो मुख्यमंत्री के लिए बोला, एक विचित्र एलिगेशन है जहां चवन्नी नहीं मिलती। कर्नाटका में इनकी 40% सरकार भाजपा की, 8-8 करोड़ मिल जाता है, वहां पे इनको बेले मिल जाती है। छोड़ दीजिए वो बात, जब चवन्नी मिल जाएगी हमसे किसी से तो हम आपका आरोप मान लेंगे। नहीं, बात खत्म नहीं हुई, अभी प्रधानमंत्री के दौरे की बात करनी है। प्रधानमंत्री के दौरे से भारतीयों को क्या मिला, ये होना चाहिए क्वेश्चन। अब सबसे पहले सुधांशु जी यहां खड़े, इनसे पूछिए कि वहां पे बात की कि पाकिस्तान को अमेरिका हेल्प करना बंद कर दे, कि F-16 फाइटर जेट्स की $450 मिलियन की सप्लाई, जो मिलिट्री सप्लाई अमेरिका पाकिस्तान को करती है और जो जेट्स वो हमारे ऊपर यूज करते हैं, उस पे क्या प्रधानमंत्री जी ने बात की? क्या प्रधानमंत्री जी ने बात की कि GSP स्टेटस जो हमारा रिवोक हो गया 2019 में वो वापस हो, क्योंकि हमें इंपोर्ट ड्यूटी मिल पड़ रही है 2000 से ऊपर प्रोडक्ट्स पर? ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन ये है। बिल्कुल आपकी वाजिब है, ये सारे सवालों के जवाब आपके दिए जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपने तो खुद बोला, आपके नेताओं ने लगातार बोला कि अध्यादेश का, अभी भी आपने बोला कि अध्यादेश का अगर समर्थन नहीं करते तो फिर वो लोग बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी के साथ हो जाती है। और आपने तो ये भी बोला, आपके नेताओं ने, कि कांग्रेस ने मन बनाया है कि वो सदन से वॉकओवर करेगी अध्यादेश के मुद्दे के ऊपर, वॉकआउट करेगी। हम आपको बता रहे हैं रिलायबल सोर्सेस से, हमें पता है कि राहुल गांधी जी का और भाजपा का अग्रीमेंट हो चुका है और वो इसलिए अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं दे रहे कि गैर कानूनी अध्यादेश पे अब तक क्यों नहीं बोल रहे, जब पता है कि कांग्रेस और बीजेपी का एग्रीमेंट है। एक बार सबको साफ बता दूं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट दी, वो पता है, सुनिए, सुनिए, जवाब जरूरी है, एग्रीमेंट कर रखा है आपने मैडम साइडवेज के अंदर, ये तो बड़ा खुलासा कर रही है आम आदमी पार्टी, और भी बहुत कुछ बातें हो रही है, बताइए। देखिए पहले तो अमेरिका की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, आपने बड़ा बड़ा सम्मान हुआ है, आपको भूल गए क्या कि एक एलईडी वैन घूम रही है जिसपे लिखा है हे जो आस्क मोदी, उसके बारे में वो सारी चीजें हैं जिसमें मणिपुर तक शामिल है, पहलवान, हमारी जो महिला पहलवान थी उनके मुद्दे शामिल है। सुनिए आगे, सुन लीजिए ना, मेरे तो आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। हमारे जेब से 1.5 करोड़ लेकर एक हीरा देकर आ गए प्रधानमंत्री जी, वहां पर 75 सांसदों ने, जो कि डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मोदी जी से मानवाधिकार के सवाल पूछिएगा, और पूछे गए। कल पूछा, इकलौता सवाल जो पता था उसके बाद पूछा, और प्रधानमंत्री ने हमारा सिर शर्मिंदा कर दिया, सिर झुका दिया, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। जो उन्होंने जवाब को इधर उधर किया वो इतिहास में जवाब हो गया। मोदी मैजिक नाम की कोई चीज है नहीं। मैं फौज में 24 साल विंग कमांडर रही हूं, और इन्होंने प्रीडेटर ड्रोन की बात की, हमने FMS रूट से अपाचे भी खरीदा है और चिनूक भी खरीदा है।
ये और बात है कि उसकी सप्लाई इस सरकार के समय में आई, तो आप कांग्रेस ने 3000 जहाज खरीदे, देश की विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया, और 36 जहाज खरीद के ये लोग झूठ बोला करते हैं। लोगों को कहते हैं कि सेना मजबूत हो गई, गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। देखिए सेना कमजोर है क्या? मैं ये कह रही हूँ इन्होंने नहीं किया है, कमजोर है क्या? इन्होंने नहीं किया है, कांग्रेस ने बनाया है विश्व की चौथी। कांग्रेस ने बनाया, कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस ने बनाया, कोई डिनाई नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी पर आपका कमेंट नहीं आया, आप अवॉइड कर रही है। मैं आपकी ये कहना चाहती हूँ कि आपका ये जो मोदी को प्रतिष्ठित करने का जो प्रयास है उसे नहीं। मैडम मैं कौन होता हूँ जो बाइडेन प्रतिष्ठित कर रहा है मोदी को? मैं कौन होता हूँ जो बाइडेन कर रहा है? मैं प्रतिष्ठित करने वाला कौन होता हूँ? ये देश के कोटि कोटि लोग इनको दो बारी प्रधानमंत्री बना रहे हैं, मैं कैसे प्रतिष्ठित करूंगा? अगर मेरे हाथ में होता, अगर मेरे हाथ में होता मैं तो राहुल जी को प्रतिष्ठित कर दूं। मेरे हाथ में हो, मेरे हाथ में होता तो मैं राहुल जी को प्रतिष्ठित कर दूं। लेकिन जनता जनार्दन जो चुन के भेजेगी, बात तो सीधी वो है, जवाब बड़ा सीधा है। वो कह रही है कि आए हो तो क्या लेकर आए हो? हाँ बिल्कुल बताते हैं साहब, $60 बिलियन का यहां के ऊपर अमेरिकी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब आपको एक बार बता दें, iPhone 14 25% भारत में बने हैं, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हमारे यहाँ जहाज के इंजन नहीं बनते। देखो उसमें सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए और उसका जो मटेरियल भी होता है, तो इंजन हमारे बनने के लिए शुरू हुए फाइटर प्लेन्स। देखिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई लॉजिस्टिक्स अधिकारी, झूठ नहीं बोल सकते आप। हमारे यहाँ HAL में बनते हैं इंजन। बताइए कितने साल लगे थे? कावेरी बनता है, फाइटर प्लेन्स की बात कर रहा हूँ। LCA कब बना? 90 के दशक में शुरू हुआ, 2015 में जाके बना, 35 साल लगे। विषय में आइए, अभिषेक टेक्निकल बातों पे मुझे लगता नहीं। आपसे मेरा सीधा सवाल है, नहीं बोलिए ओके, आप अपनी बात का जवाब। देखिए मैं बाकायदा स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं, पहले उनकी बात से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा मोदी अकेले नहीं है, बिल्कुल मोदी के साथ है, सब जानते हैं, बिडेन ने तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा मोदी इज द बॉस। और सुनिए पापुआ न्यू गिनी वाले ने पहुंच हुए, अरे भाई मैंने एक देखा YouTube के ऊपर कि एक पाकिस्तान वाला कह रहा है, वो कौन सा मुल्क है जिसके वजीर आजम ने मोदी के पैर छू लिए? तो कहता पापुआ न्यू गिनी। कहता हाँ वो पापुआ। तो वो कहता है बताइए वहां का वजीर आजम मोदी के पांव छू रहा और हमारा वजीर आजम जगह जगह पांव पकड़ता, पैसा दे दो, उसके बाद से पैसा नहीं मिलता है। और राहुल गांधी जी के ननिहाल इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मिलोनी मोदी जी की तारीफ कर चुकी है। और जहां इन्होंने कहा सांसदों की चिट्ठी, अरे भाई अमेरिका के सांसदों की, झूठ पे झूठ, अरे इस देश के सांसदों ने लिख के दिया अमेरिकी संसद को कि मोदी जी को वीजा नहीं देना, शर्म आनी चाहिए। ये देश की सार्वभौमिकता का अपमान, संप्रभुता का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, संवैधानिकता का अपमान, इतना बड़ा अपमान हुआ था। मगर उसके बावजूद आज देखिए कालचक्र की गति देखिए कि इन्होंने अमेरिकी संसद को लिख लिख के दिया था कि उनको वीजा मत दीजिएगा, जबकि उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था। आज दो बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को उन्होंने संबोधित किया, 21 तोपों की सलामी ली। और सुनिए जो इन्होंने बात कही, बैरक ओबामा ने क्या बोला था? बैरक ओबामा ने द प्रॉमिस लैंड में लिखा कि 26/11 के बाद भारत की सेना आक्रमण करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने इसलिए डिसीजन नहीं लिया क्योंकि उन्हें डर था उससे उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा होगा मुंबई के हमले के बाद। ये द प्रॉमिस लैंड अपनी किताब में लिखा है। ओबामा जी ने जो कल लिखा उसका भी जवाब सुधांशु देंगे, लेकिन एक बात बताइए, ओबामा जी ने जो राहुल जी के बारे में लिखा था उसका जवाब लिखा है? ओबामा ही ऑथेंटिसिटी है तो अच्छा, अब ओबामा की ऑथेंटिसिटी। अब कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ उनका व्यवहार सही नहीं है, और मैं होता तो उनसे सवाल पूछता। ये कल कहा, वो सवाल क्यों नहीं होता है? बराक ओबामा क्या है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, आज राष्ट्रपति कौन है? बिडेन, ठीक है। और सुनिए पार्टी क्या है? उसी डेमोक्रेटिक पार्टी का। अब बताइए आज खड़गे जी कहेंगे वो बयान है या राहुल गांधी कहेंगे वो बयान है? अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है जो नरेंद्र मोदी को पहली बार जवाब दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल, मनमोहन सिंह जी को सम्मान मिलता था तो क्यों नहीं दिखाया जाता था? क्योंकि सम्मान दिखाना था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन को, मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान देना ही नहीं। ये बहुत बड़ा इल्जाम दिखाया था आपने, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया आपने कांग्रेस पे। आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह को भी ये नहीं है और क्या? ये आपने कह रहा मनमोहन सिंह को भी सम्मान दिया लेकिन दिखाया नहीं जाता था। बिल्कुल, क्यों 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 का भी जवाब मनमोहन सिंह जी की जबानी बोले दे रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में
मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया, मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश किया है। तो बस साफ समझ में आ जाता है कि योग्यता के आधार पर निर्णय था या मैडम का, ये मनमोहन सिंह जी की जमानी थी। अरे भाई मनमोहन सिंह जी का ठीक है, अब आप आपका पॉइंट खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आप मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे थे कि विपक्षी पार्टियों के लोग जो है पटना के अंदर कर रहे हैं, एक तरफ सर बता दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दो विचारधाराएं देश के अंदर, एक तरफ गांधीवादी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी तमाम लोग जो है बैठे हुए थे, और एक तरफ सावरकरवादी और गोडसेवादी लोग बैठ करके जो है अपनी रणनीति बना रहे हैं। और याद रखिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी गए थे तो गांधी जी के आगे झुके थे, ना कि सावरकर के आगे झुके थे और ना गोडसेवादी लोगों के आगे झुके। ठीक है इन्होंने एक शेर पढ़ाया, मैं भी एक शब्द में बोलूंगा, अंधेरे से डरे हुए, गुस्सा मत होना बस बाकी, अंधेरे से डरे हुए लोग, खौफ से भरे हुए लोग करते हैं सरहदों की बातें, ये घरों में घुसे हुए लोग, ये विंग कमांडर है ना, इन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप उस समय जब ड्रेस में थी, फोर्स में थी, आपकी रगों में खून नहीं दौड़ा था, खून उबाल नहीं मारा था जब हमारे लोगों को 26/11 में चुन चुन के मारा गया था? जवाब जवाब तब क्या बात कर रहे हैं? नहीं देखिए देखिए मणिपुर चल रहा है, एक सेकंड आज 2000 किलोमीटर चीन यहाँ आके बैठा है, मेरे प्रधानमंत्री ने एक बार भी बात नहीं की, आज की बात करिए, एक बार भी राजनीतिक वार्ता नहीं की है, 19 बार मेरी फौज के लोग जाके बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री घर में डर के बैठा है, और विदेश मंत्री कहता है कि बड़ी अर्थव्यवस्था है तो क्या उसके ऊपर चढ़ जाए, शर्म आनी चाहिए, हम आज की बात करेंगे। एक सेकंड, ये तो 2000 किलोमीटर कहां से आ गया, 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चीन आ गया तो यहां पर ये दिल्ली के अंदर चला जाएगा, 2000 किलोमीटर से क्यों नहीं आता है दिल्ली, ये लाइन में अगर इस पूरे लाइन को 3000 किलोमीटर ये लाइन को अगर आप 3000 किलोमीटर माने, इसमें अगर 1 किलोमीटर आ जाए, अगर 1 किलोमीटर आ जाए तो पूरी पेरिफेरी में लगभग 3000 किलोमीटर होता है, क्यों नहीं समझते हम भैया? अगर लद्दाख से लेके अरुणाचल तक मतलब सब जगह घुसाया है चीन, मतलब गजब है भाई, दिमाग में ऐसा चाइनीज वायरस घुसा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा आपका बड़ा स्टेटमेंट है। अभी गलवान की बात कर रहे थे, गलवान में हमारे 20 सैनिक बगैर गोली चलाए हाथ पांव की लड़ाई में शहीद हो, प्रधानमंत्री ने कहा, अरे भाई क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने को, इससे खून नहीं खोलता क्या हमारा? अच्छा एक मिनट, और कोई सोचे कि 20 लोग हाथापाई की लड़ाई में शहीद हो गए और उधर से एक भी घायल नहीं हुआ? चीन ने अपने एक घायल सैनिक तक का स्टेटमेंट नहीं जारी किया, और उस आंकड़े पर जो भरोसा करे उसके दिमाग में चीनी वायरस ही घुसा हुआ। मारे गए, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये देश है हमारा में बीजेपी के नेता से, कांग्रेस की नेत्री से और आम आदमी पार्टी की नेत्री से सवाल पूछेंगे, क्या 24 क्या किंग कौन होगा, यानी 24 में कैंडिडेट कौन होगा? ब्रेक के बाद यह देश है हमारा में इसी सवाल पर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। हमारे ही नहीं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट सब पार्टियों के लोगों की कार्यकर्ताओं की हत्या, मध्य प्रदेश में कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, वो राजनीतिक हत्याएं हुई क्या? ये सिर्फ बंगाल और केरल में होता है, देखिए क्योंकि यहाँ कम्युनिस्टों का शासन आया, उन्होंने हत्या की राजनीति शुरू की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में बताइए वहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हम लिस्ट दे सकते हैं जिनकी हत्या, मध्य प्रदेश में बताइए 10 कार्यकर्ता बताइए जिनकी हत्या हुई, कोई चीज में तुलना करने के लिए अब इस दौर में ऑडियंस के सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश मिश्रा से एक बड़ा सवाल। सत्यप्रकाश जी, बार बार बीजेपी कह रही है और अमित शाह ने भी बोला कि 300 सीटों के साथ मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी कह रही है कि सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं अपने अपने परिवारों को बचाने के लिए, जवाब देखिए। अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले 350 सीट कहा था, अभी 300 पर आए हैं, फिर 250 पे आएंगे, फिर वो 200 पे चले जाएंगे, और फिर वो 150 पे चले जाएंगे, और नीतीश कुमार जी का इस पर एक बयान है कि पूरा विपक्ष यदि एक हो गया तो 100 सीट से नीचे चली जाएगी भाजपा, और सीएसडीएस का एक सर्वे है कि 1% भी वोट इधर उधर हो गया तो भाजपा की सरकार इस देश में नहीं बनेगी, हिंदी हार्टलैंड में 141 सीटों की बात है, अगर हम 50 सीट कम कर दें सिर्फ तो भाजपा की सरकार ऐसे भी नहीं बनेगी। तो बंगाल में कांग्रेस ममता जी के साथ समझौता करेगी, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करेगी, या फिर कांग्रेस दिल्ली को छोड़ेगी,
या फिर कांग्रेस पंजाब को छोड़ेगी। यानी मुझे तो देवदास फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है कि बाबूजी ने कहा तुम पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा तुम इसको छोड़ दो, मतलब सारी कुर्बानी कांग्रेस से आप लोग मांग रहे हैं। नहीं, ये 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 मॉडल की जो चर्चा कर रहे हैं कि कौन किसको छोड़ेगा, किसी को कोई नहीं, सीटें छोड़ सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे के सीट पर मदद करके जीत दिलाएगा। इस सवाल पे आ जाते हैं, ममता जी का यूपी में कितना बड़ा वोट है, अखिलेश जी के साथ वो लड़ती हैं तो? नहीं यार, सारी पार्टियां जो अलग अलग राज्यों में मजबूत हैं वो दूसरी पार्टी। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का बिहार में कितना बड़ा वोट शेयर है? अगर अरविंद केजरीवाल बिहार में जो छह पार्टियों का गठबंधन चल रहा है उसको सहयोग करेंगे। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है, अभी तक क्षेत्रीय दल कांग्रेस का वोट लेके जाते थे, कर्नाटक में पहली बार ऐसा हुआ है जेडीएस का 5% वोट कांग्रेस ले गई है। अब ये सब खौफजदा है क्योंकि इनको लगता है कि अगर साथ में दोनों मिलके आए तो इनके झोले से वोट कांग्रेस में जा सकता है, जो कर्नाटक में दिखाई पड़ा। इसीलिए मैं इसलिए सब कह रहे हैं जहां जहां जो जो मजबूत है वहीं वहीं वो लड़े, यानी कांग्रेस की कुर्बानी। कांग्रेस का 2% 4% वोट तो सब जगह है ना, तो वो तो हमको मिल जाए मगर हम नहीं देंगे। अगर पूछिए, यहां कोई पश्चिम बंगाल वाला नहीं खड़ा है, अधीर रंजन चौधरी जी तो जीते हैं, वो सीट भी देंगे कांग्रेस को। प्रियंका कक्कर, आप बार बार एक सवाल पूछ रही थी कि क्या मिला मोदी जी की विजिट के बाद क्या मिला है। कुछ देर पहले इमरान खान ने एक ट्वीट कराया और उसने कहा है कि भारत ने कूटनीति में हमें हरा दिया है, पाकिस्तान अब भारत में सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नाम से जाना जाता है, भारत और यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट ऐतिहासिक है, और उसके साथ साथ एक बड़ा मैसेज, एक नहीं ये बात मैं इमरान खान को हम पाकिस्तान से जीत गए। अच्छा, बिल्कुल खुश होना चाहिए, पाकिस्तान के जीतने में खुश होना चाहिए, होना चाहिए। सुनिए, अरे भाई आप मेरे को टाइम दीजिए, पाकिस्तान से जीत में खुश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर आप, पर आप हमें चाइना को हराना था, बात थी चाइना को हराने की, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना रशिया के साथ खड़ा है, आप इनसे पूछिए मणिपुर क्यों जल रहा है, इनसे पूछ। पाकिस्तान पर जीतने से खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जी। देखिए अमीश भाई, कितना हास्यात्मक है आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं ओ पाकिस्तान से, अरे ये वही पाकिस्तान है 2014 से पहले कश्मीर चिल्लाता था, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, आज वो आटा चिल्ला रहा है। आपने बोला मोदी जी जब जो बाइडेन के साथ थे तो उन्होंने इस पर सवाल पूछा, उस पर सवाल पूछा, मैं पूछता हूं, मल्लिका अर्जुन खड़गे और ममता बनर्जी नीतीश कुमार के साथ मिले तो उन्होंने क्या, जो उनके बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जो बात लेकर अधीन रंजन चौधरी कोर्ट चले गए हैं, क्या उस पर बात करी? आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। आपसे मेरा एक सवाल है कि प्रतिस्पर्धा की राजनीति यहाँ होती आई है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की 40% करप्ट सरकार थी, मध्य प्रदेश में 220 महीनों में 225 घोटाले किए। आप एक बात समझ लें कि इस देश में अगर आप ये हिंदू मुस्लिम का चटपटा वो लेकर आए थे तो आप गोलगप्पे रोज नहीं खा सकते, आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों में नहीं खा सकते। अल्टीमेटली इस देश को दाल चावल चाहिए और लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो हिंदू मुस्लिम के चटखारे हैं इससे उनका कुछ भला नहीं होना है। और एक और खास बात, आज आप पाकिस्तान से भारत की तुलना कर रहे हैं, है कौन पाकिस्तान? पहली 10 सेनाओं में उसका नाम नहीं है, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस स्तर पे उतार दिए जाएं कि पाकिस्तान से तुलना करने चलें। अरे वो है ही क्या हमारे सामने। बहुत अच्छा इन्होंने बात कही, इन्होंने कहा पाकिस्तान से तुलना नहीं होनी चाहिए, इनके लिए वाकई तुलना नहीं है, क्योंकि ये तो वो हैं मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे पाकिस्तान में कि आप मदद करो मोदी को हटाने के लिए। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बंगाल में आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और आप कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, क्या आपको दुख नहीं है आपके कार्यकर्ताओं को जो मारा गया? देखिए बंगाल में हिंसा होती है, किसी भी पार्टी जिसके साथ हिंसा होती है उसे दुख होता है, भारतीय जनता पार्टी कई बार मध्य प्रदेश में हिंसा करवाती है, मुझे दुख होता है, हमारे देश की जनता का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। कमलनाथ जी ने इसका जिक्र नहीं किया, अधीर रंजन चौधरी ने तो बंगाल का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर का जिक्र नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक मणिपुर का जिक्र नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने भाई आप क्या बात कर रही है, बंगाल में हमारे ही नहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट सब पार्टियों के लोगों की कार्यकर्ताओं की हत्या, मध्य प्रदेश में कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, वो राजनीतिक हत्याएं हुई क्या? ये सिर्फ बंगाल और केरल में होता है, क्योंकि जहां कम्युनिस्टों का शासन आया उन्होंने हत्या की राजनीति शुरू की, इसीलिए मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश से बताइए वहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हम लिस्ट दे सकते हैं जिनकी हत्या, मध्य प्रदेश बताइए 10 कार्यकर्ता बताइए इसकी हत्या हुई, कोई चीज में तुलना करने के लिए बीजेपी के मुख्यालय में बलात्कार हुआ, क्या बात करते हैं आप ये।
सारी चीजें आप बलात्कारियों की पार्टी, मतलब कुछ भी बोलने के लिए शुरू हो जाते हैं। आप देखिए क्या बात करते हैं, एक सेकंड। आप सवाल आपका, कल प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी प्रेस मीडिया को पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो भारत में वो कब दिन आएगा जब प्रधानमंत्री इसी दिल्ली में जनवरी 2015 में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बराक ओबामा को बराक बोला था, तब इन्होंने ये कहा था बराक बराक कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, भूल गए भाई जी 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 भूल जाते हैं भाई। और सुनिए जी जी, अच्छा ये मैडम है इनका हाथ को, पहले तो आपको हाथ आपका जल्दी स्वस्थ हो हम बोलते हैं, आपका सवाल क्या मैडम? मेरा सवाल ये है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 24 पार्टियों का यूपीए के जो भी एनडीए के खिलाफ गठबंधन हुआ था, तो कोई विशेष बात नहीं है लोकतंत्र में, तो अब ये क्या फजीहत हो रही है? अगर समान विचारधारा के लोग जो उनको गलत लग रहा है लोकतंत्र के लिए, तो अब ऐसे क्या है? और दूसरी बात, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, गलत बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिहार में कुछ नीतीश जब आए थे तब मैंने पूरा घूमा बिहार, मेरा कुर्ता पीछे से घिस गया गाड़ियों में ऐसे ऐसे कूदते कूदते, और अब मैं गई हूँ प्लेन बिल्कुल सड़कें हैं, क्या पता अच्छा आए परिवर्तन देश के विकास के लिए। ये सवाल है कि गठबंधन तो पहले भी होते थे, लेकिन अब बीजेपी इसको इतना उखड़ क्यों रही है, क्या डर रही है बीजेपी? सुनिए, अटल जी के नेतृत्व में जब हमने एनडीए बनाया वो देश के इतिहास का पहला गठबंधन था जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। जानते क्यों? क्योंकि गठबंधन के साथ ही यह तय हुआ कि गठबंधन का नेता अब की बारी अटल बिहारी था। इनसे पूछिए गठबंधन का नेता कौन, बाएं दाएं चे पे पता नहीं क्या, मोदी वर्सेस कौन? ठीक है, इसी सवाल पर आते हैं, ये बड़ा पॉइंट है, मोदी वर्सेस कौन? और आप तीनों से मेरा सवाल है, सत्य प्रकाश जी, मोदी वर्सेस कौन? इनका नेता है जिसको 10 साल से लोग सत्ता में देख रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री है, इनका नेता मोदी है, नरेंद्र मोदी है, आपका नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल है, राहुल जी है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, आदित्य ठाकरे है, उद्धव ठाकरे है, शरद राव पवार है, सुप्रिया सूले है, कौन है? मोदी वर्सेस 140 करोड़ की जनता है इस देश की, मोदी को हराने के लिए, रुक जाइए, अब देखिए मोदी को हराने के लिए 140 करोड़ जनता, अभी आ रहे हैं, आप प्रधान नीति जब इस देश की बन जाएगी तो आपको प्रधानमंत्री भी पता चल जाएगा, एक से एक काबिल और कद्दावर लोग हैं वहां, तो एक मोदी जी और कोई है भी नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी नेताविहीन होते जा रही है, वहां तो कोई है भी नहीं, नेतृत्व विहीन पार्टी, नीति विहीन पार्टी, उसके खिलाफ हम लोगों की प्रधान नीति बनेगी। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, मैं इस मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैडम आपकी बात आना चाहता हूँ, कि राज की बात कह दू तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आज लाइटर नोट पे बात हो रही है तो बहुत बहुत उत्तेजित बहस हो गई, लेकिन एक अच्छा सवाल आया मैडम, आपका एक अच्छा वर्सेस कौन पे मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए, एक तरफ है, सुनिए, एक तरफ है जाचे परखे खरे तपे तपाए आजमाए मोदी जी, दूसरी तरफ जानते कौन है? दूसरी तरफ वो भी हो सकते हैं जो चारा घोटाले वाले हैं, वो भी हो सकते हैं जो कोयला घोटाले वाले हैं, वो भी हो सकते हैं जो दारू घोटाले वाले हैं, वो भी हो सकती हैं जो भर्ती घोटाले वाले हैं, या फिर जैसे एक लाफ्टर शो में कहा जाता था ना, इधर मोदी उधर पहचान कौन, ये भी हो सकता है। ठीक है, मैं मैडम आपकी बात आता हूं, मैडम अनुमा आचार्य जी एक कांग्रेस क्या प्रवक्ता है, एक समय पर आम आदमी पार्टी पूरे कश्मीर टू लेकर कन्याकुमारी बताती थी कि किस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और कैसे वो परिवारवादी पार्टी है, उसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए मैडम कि कौन है मोदी वर्सेस कौन है, क्या मोदी वर्सेस राहुल गांधी देखेंगे हम 2024 में? ये नैरेटिव ही नहीं है, तानाशाह वर्सेस लोकतंत्र है, क्योंकि तानाशाह राहुल गांधी भी नहीं है, आप तो बोलिए कम से कम, पहले से सुनिए ना, पहले से डिसाइड होने वाला तो तानाशाह होता है, लोकतंत्र का तरीका क्या है, लोकतंत्र में कोई भी बार बार चुना नहीं जाता, लोकतंत्र में जो लोग चुने जाएंगे वो सलाह करेंगे और वही उनका निर्णय होगा, वही प्रधानमंत्री होगा, ये आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, ये पिच नहीं चलेगी, ये पिच लोकतंत्र के हिसाब से गलत है, ये राजतंत्र की पिच है, ये अश्वमेध घोड़ा जो कहते हैं उनकी पिच है, लेकिन ये लोकतंत्र की पिच नहीं है, इसलिए पिच बदलिए, मोदी आप राहुल का नाम नहीं ले सकती। इन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र से चुना जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकतंत्र से चुने गए थे,
पीवी नरसिम्हा राव लोकतंत्र से चुने गए थे। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए थे और इंदिरा गांधी जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में 1966 में बूंगी गुड़िया के रूप में लोकतंत्र से चुनी गई थी और फरवरी 1946 में कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में 0 वोट पाकर जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र से चुने गए थे। क्या लोकतंत्र है, गजब का लोकतंत्र है भाई इनकी पार्टी जी। तो लोकतंत्र से सिर्फ 2 प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जन जन ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री घोषित होकर प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी। जी एक एक सवाल तो फिर तो कांग्रेस कांग्रेस की डेफिनेशन में आप भी लोकतांत्रिक हैं, आप भी अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाकर ही चुनाव लड़ते हैं, नेता बनाकर ही चुनाव लड़ते हैं, तो आप भी लोकतांत्रिक हुए, तानाशाह हुए, बताइए तो अगला चुनाव फिर आप लोग भी ऐसे ही लड़ेंगे, हो सकता है कोई और बन जाए? नहीं, हम आपका वही जवाब देते हैं, मोदी वर्सेस कौन, मोदी वर्सेस महंगाई, मोदी वर्सेस 45-year-old हाई अनएम्प्लॉयमेंट, मोदी वर्सेस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो 14,450 करोड़ का था और ढह गया एक हफ्ते के अंदर, मोदी वर्सेस सप्तऋषि की वो मूर्तियां जो 7 दिन में उड़ गई सातों मूर्तियां जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मोदी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया, मोदी वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी, मोदी वर्सेस पानी, जहां तक मैं चाहूंगी ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल, मोदी वर्सेस पानी, मोदी वर्सेस महंगाई, आपने पूरी कहानी बताई, मतलब पूरा शहर पानी पानी कर दिया। अभी 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 तो कहानी आपके अध्यादेश पे अटकी है, ये अध्यादेश का साथ देंगे तो आप इनके साथ जाएंगे, अगर अध्यादेश का साथ नहीं देंगे तो कांग्रेस भी बीजेपी की श्रेणी में आ जाएगी, सही या गलत? बिल्कुल सही, संविधान के साथ है या भाजपा के साथ? तो विपक्षी एकता की कहानी कहानी आज हमने आपको आपकी जुबान जी जी 10 सेकंड ये सब पटना में मिल तो रहे हैं पर हकीकत दिल में क्या है ना, जानते क्या, वो पुराने गीत था, मिलो ना तुम तो हम घबराए और मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया है। चलिए फिलहाल इस चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन बहुत